हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। मैं आपका दोस्त अभिषेक सिंह, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल इंडियन ट्रैवल सिंह। सो दोस्तों, अभी टाइम हो रहा है शाम के 7:30 बज रही है एंड आज अभी यानी इसी टाइम थोड़ी देर में आधे पौने घंटे में मेरी बस है जयपुर से बांसवाड़ा की। एंड बांसवाड़ा मैं किस लिए जा रहा हूँ वो आपको थोड़ी देर में पता चलेगा, कल सुबह जब मैं पहुँचूँगा देन मैं रिवील करूँगा कि मैं बांसवाड़ा किस लिए जा रहा हूँ, क्या काम है वो चीज़ आपको बताऊँगा। बाकी अपन एकदम रेडी हैं, मेरा बैग रेडी है जो मैं लेके जा रहा हूँ एंड एक पाउच बैग। सिर्फ एक दिन के लिए जा रहा हूँ, सिर्फ कल के लिए, परसों सुबह वापस आ जाऊँगा बैक टू जयपुर। एंड मैं अकेले नहीं जा रहा हूँ, मेरे साथ जा रहे हैं टीपू भैया। अब टीपू भैया जा रहे हैं तो समझ तो गए होंगे कि कुछ काम ही है, तो जो भी है वो सारी चीज़ें बताता हूँ आपको। एंड भाई बाहर इतनी तेज़ बारिश हो रही है, क्या बताऊँ, बहुत तेज़ बारिश हो रही है। तो बारिश के चक्कर में ना थोड़ा सा डिले हो चुका है, वैसे तो बस भी थोड़ी सी डिले हो चुकी है हमारी, तो फ़ोन आया था कि थोड़ा टाइम लग जाएगा, तो मैं कहा चलो ठीक है। मैंने उनको फ़ोन करके मैंने बस वालों बोला था कि आप है ना यहाँ पहुँच जाना तो मुझे बता देना, देन मैं आ जाऊँगा। तो एक लोकेशन हमने डिसाइड करी है बस वालों से बात करके, तो जैसे वो पहुँचेंगे कॉल आएगा तुरंत मैं निकल जाऊँगा, ज़्यादा टाइम वैसे लगने वाला नहीं है। सो दोस्तों, एक बार मैं वापस से ना सारी चीज़ें चेक कर लेता हूँ कि मेरे को जो जो सामान ले जाना था इंपॉर्टेंट वो सामान ने रख लिया है कि नहीं, एक बार चेकआउट करके फिर उसका थोड़ी देर बाद अपन यहाँ से निकल जाएंगे। दोस्तों बस स्टैंड पहुँच चुके हैं, पीछे बस आ गई, आ गया मोटा भागते हुए, आ जाओ कूदो। सो दोस्तों, हमारी बस एक घंटे डिले चल रही है, तो मैं तो सो गया था, टिपू भैया एडिटिंग कर रहे थे, पता नहीं एडिटिंग कर रहे थे क्या कर रहे थे, फोटो एडिटिंग कर रहे थे टिपू भैया। और भाई अभी बस रुकेगी हमारी 20 मिनट के लिए कहीं पे चाय नाश्ते के लिए, आँख नहीं खुल रही मेरी, फ्लैश लाइट जला के तो ब्लॉग बना रहा हूँ, रात भर से सोया नहीं हूँ। कल वो सूरज गेमिंग वाले जो हमारे चैनल है उस पर रात भर कल हम लोग काम कर रहे थे, चाय नाश्ता करके फिर से सो जाऊँगा, अब सुबह उठ के सीधा ब्लॉग बनाऊँगा। अरे यार अभी चाय नाश्ता करने के लिए रुकते हैं भाई, रुकते हैं, अच्छे भी लगा तो ज़रूरत भी है थोड़ी सी, किसी का तो वेट कर सकते पूरे ट्रिप में इसी के लाए थे क्या भाई, नाश्ता और जहाँ पे हम जा रहे हैं वहाँ के कचौड़ी वचौड़ी खाएंगे, हाँ जाए कुछ खाएंगे पिएंगे, लोकल फूड खाएंगे, बढ़िया देखते हैं यार लोकल फूड क्या मिलता है। थोड़ा क्या ऐसी रुक गए भाई, होटल पर रुक गए, चलो। तो दोस्तों बस हमारी रुक चुकी है, कोई ढाबा है नाम पता नहीं क्या लिखा है, सिद्धि विनायक करके, यहाँ पे चाय बिस्किट और यही चल रहा है। खाना वाना हम लोग खा नहीं रहे क्योंकि खाने में प्रेशर बन जाएगा बस में, मुझे पता नहीं सुबह कब पहुँचो, और ऑलरेडी 12 बज चुके हैं और अभी 9 घंटे का रास्ता और है, 2 घंटे डिले है बस, देखते हैं। वैसे सुबह 6 बजे पहुँचने का टाइम था इसका, 9 बजे तक तो बोल रहे कि ज़्यादा से ज़्यादा 9 बजे तक पहुँच जाएंगे। सही है, हमें वैसे भी जहाँ हमें जाना है ना वहाँ 10 बजे बाद ही जाना है, हमें 10 बजे बाद ही जाना है, सही टाइमली पहुँच जाएंगे हम लोग। और कितनी बसें हैं ना हमारे से पीछे थी, अब देखो ये सब निकल रही है, ये सब हमारे बगल बगल में खड़ी थी, सब सारी जा रही है अभी, हाँ तो ट्रैफिक बहुत गंदा, ट्रैफिक था बहुत ही गंदा। टीपू भैया भाई तो मैं बताता हूँ सीन क्या हुआ कि बस आई और बस निकलने वाली थी, 2 मिनट पहले टीपू भैया पहुँचे ट्रैफिक में से, मेरे 90% ये था कि मैं बार बार फोन करके बोल रहा हूँ, फोन करके पूछ रहे कहाँ पहुँचे, बस का क्या सीन है, बस रुकेगी नहीं रुकेगी, हाँ। और ये मालूम जैसे मैं मतलब जो 200 फीट पाई थी लोकेशन है, हाँ लोकेशन में पहुँचे बस, और यहाँ से बस आ गई, बस यहाँ पे वही चीज़, अगर 10 मिनट लेट होते तो छूट गई थी आज हमारी, 5 मिनट यहाँ तो फिर छूट जाते, फिर नहीं हो पाता हमारा जाना ही, आज फिर कैंसिल करना पड़ता हमें, फिर देखते आगे का होता नहीं होता पता नहीं, लेकिन ये था कि आज इसको हमें जो कार के लिए जाने करना ही था, इम्पोर्टेंट था बहुत ज़्यादा। सो दोस्तों पहुँच चुके हम लोग बांसवाड़ा और सुबह हमारी बस लेट पहुँची है, वो तो लेट निकली तो लेट पहुँचेगी, मैंने अभी हमारे भी सुलभ शौचालय वहाँ जाके हम लोग फ्रेश व्रेश होकर एकदम रेडी हो गए चुके हैं शूट पर जाने के लिए, एक शूट है, शूट तो अभी आपको पता चलेगा थोड़ी देर में। और भाई ये सब से करके ना मेरे स्कूल के दिन याद आ गए, जब स्कूल में पेपर देने जाते थे ना, दूर पेपर होता था कहीं सेंटर आता था, हो गए अब लेकिन अब क्या इसका पार्ट होता है, जैसे अब तुम रेडी हो गए है ना, मस्त ब्रश व्रश कर लिए, बिल्कुल फ्रेश हो गए, सब सही है, सब बढ़िया है, नाश्ता वो भी दूसरी सिटी का नाश्ता करना ये इनके लिए सबसे बेस्ट पार्ट है, ठीक है भाई, तो हर जगह का टेस्ट, और रात को का नींद आई है भाई मेरे को, सोए सुबह उठे पहुँच गए, अब यहाँ से देखते कब फ्री होता है, उसके बाद वापस बैक टू जयपुर जाना है, घूमने का हमारे पास टाइम है नहीं क्योंकि हमें जयपुर पहुँचना है, गणेश चतुर्थी है इस वजह से, देखते हैं बाकी क्या सीन होता है सामने, बोलते हैं बहुत अच्छी जगह, हाँ जगह अच्छी है बांसवाड़ा, सुना है तो घूमेंगे कभी और टाइम निकाले घूमेंगे फिर से। तो दोस्तों ये है बांसवाड़ा की फेमस काका कचौड़ी, हिंग की ना, हमने बस स्टैंड पूछते हुए पैदल यहाँ पे पहुँच चुके हैं। पहली बार कचौड़ी मैंने दही के अंदर पहली बार खाई है, अच्छी लग रही है, मतलब कि कुछ यूनिक टेस्ट है दही की कचौड़ी। तो दोस्तों मैं आया था बांसवाड़ा में शूट करने एक, एंड हम लोग आए थे हीरो के शोरूम में, भी हम लोग हीरो का एक शूट था उसके लिए आया था, देखो बाइक सारी दिखेंगी आपको, हीरो की एक करिश्मा बाइक खड़ी है, और अभी हम लोग कॉफ़ी पी रहे हैं, कॉफ़ी के साथ में टीपू भी अपने चिप्स खोल चुके हैं भाई, है ना, भूख लग रही है यार, 3 घंटे से हम लोग शूट कर रहे हैं कंटिन्यू, और अभी भी शूट खत्म नहीं हुआ, अभी भी थोड़ा टाइम लगेगा, अभी ब्रेक लिया है कॉफ़ी का जिससे कि थोड़ी एनर्जी है फिर से वापस शूट करें। अब हमें जो शूट करना था ना थोड़ा सा बाहर शूट करना था, बाहर आपको मैं दिखाता हूँ एक सेकंड कॉफ़ी रख के, बाहर देखो
बारिश हो रही है बढ़िया वाली, इस चक्कर में हम बाहर शूट नहीं कर पा रहे, तो वेट कर रहे हैं बारिश रुक जाए, जब तक कॉफ़ी इंजॉय करते हैं फिर बाहर जाकर शूट करेंगे। एंड आज बैक टू जयपुर वापस से बस है हमारे शाम को 6 बजे, तो अभी कितना 2:30 बज रही है ना, तो अभी टाइम है ऐसे तो हमारे पास 2:30 बज रही है, अभी 3-4 घंटे है हमारे पास शूट निपटाने के लिए, तो होप सो तब तक कंप्लीट हो जाए, फिर 6 बजे हम लोग वापस बैक टू जयपुर निकल जाएंगे। भाई यहाँ पे आधे घंटे की बारिश में तो समंदर बन गया, ये देखो अभी जब मैं सुबह आया था ना तब यहाँ बिल्कुल भी पानी नहीं था, एकदम क्लियर रोड थी, आधे घंटे में हालत देखो क्या हो चुकी है रोड की। दोस्तों शूट डन, एंड शूट डन होने के बाद हम लोग आ चुके हैं फटाक से घूमने बांसवाड़ा, जितना जल्दी हो सके क्विक टूर करा रहे हैं भैया, करा रहे हैं हमको, थैंक यू सो मच, आपके बिना ये पॉसिबल नहीं हो पाता। सबसे पहले देखो यहाँ पे लोकेशन लाइक, क्या नाम है भैया इसका? कागदी पिकअप। क्या बताया मेरे को समझ? कागदी पिकअप, गांधी पिकअप, कागदी, कागदी पिकअप, कागदी पिकअप करके कुछ जगह है इसका नाम। एंड ये देखो व्यू भाई, अगर मैं हो पाता तो आगे जाता, लेकिन बस इतना ही आगे जाऊँगा, क्या बढ़िया लग रहा है। एंड जितना बांसवाड़ा देखा है रील में ना, यहीं से देख के पता चल रहा है कि कितना खूबसूरत हो सकता है, बहुत प्यारी प्यारी जगह। अभी एक जगह लेके जा रहे हैं भैया, बहुत सुंदर सी है, वाटरफॉल जा रहे हैं अपन। यस बिल्कुल, एक छोटा सा वाटरफॉल दिखाएंगे, तो वहाँ पे फटाफट चलते हैं क्योंकि 1 घंटे बाद हमारी बस है, 1 घंटे में जितना घूम सकते हैं घूम के घुमा देंगे, फटाफट घूम लेते हैं भाई। तो दोस्तों अभी हम आ चुके हैं हमारी सेकंड डेस्टिनेशन पे, जिसका नाम है चाचा कोटा। एंड मेरे सामने व्यू है, और बहुत ही सुंदर व्यू, बहुत ही प्यारा व्यू, इतना अच्छा इतना सुंदर व्यू आज तक मैंने राजस्थान के अंदर कभी नहीं देखा है। फर्स्ट टाइम मैं लाइफ में अपने राजस्थान के अंदर इतना सुंदर व्यू देख रहा हूँ। सो गाइस ये देखो, लुक एट द व्यू। एंड वहाँ पे कहीं पे, एक सेकंड रुको, यहाँ पे ये चीज़ दिख रही है आपको, पॉइंट्स से दिख रहे हैं, ये है माही डैम, माही रिवर डैम वहाँ पे है। हम लोग का पहले प्लान था वहाँ जाने का, लेकिन वो थोड़ा सा ज़्यादा दूर है, इस वजह से अवॉइड करा है, कभी और बाद में जाएंगे। बाकी इसके चारों तरफ सिर्फ पानी है, और बहुत सुंदर जगह है, बहुत ही सुंदर। तो दोस्तों यहाँ पे बोटिंग भी होती है, ये देखो बोट है वो वहाँ पे, और नीचे से शायद वहाँ से कहीं से इसका रास्ता है जहाँ से बोटिंग होती है, एंड अच्छा खासा चक्कर कटवाती है ये बोट। वैसे तो हम लोग भी जाते हैं बोटिंग करते हैं, अच्छे से घूमते फिरते, लेकिन हमारे पास टाइम नहीं है बिल्कुल भी। और भाई हम लोग को यानी रिग्रेट कर रहे हैं, आके भी हम लोग ये सब चीज़ नहीं कर पा रहे हैं, ये चीज़ हो चुका है कि हम लोग डेफिनेटली दोबारा आने वाले हैं, कैसे भी करके आएंगे। जब भी जब सही में क्विक में, तो हमने सिर्फ क्विक में घुमाया अभी, तो सोचो कैमरा घुमा के देखो भाई बोट वाला सीन देखो। हाँ भाई, तो लग रहा है वहाँ बोट जा रही है, जैसे गोवा में खड़े जाते हैं ना, गोवा में वो क्या नाम था उस जगह का, फोर्ट है ना, एक फोर्ट है गोवा में, अगोड़ा, क्या अगोड़ा ऐसे कुछ फोर्ट का नाम है, उस पर खड़े हो जाओ तो वहाँ से ऐसे दिखता है समुंदर सा, वैसे ही लग रहा है ऐसे, उसमें बोट चलती रहती है। यानी इसमें ना बीच में छोटे छोटे आइलैंड्स भी बने हुए हैं इसके अंदर भाई, डेफिनेटली मस्ट विजिट जगह है। जो लोग भी यही आसपास है ना बांसवाड़ा के, घूमने आओ, जो लोग बांसवाड़ा से उनको तो पता ही होगा, बाकी जो आसपास जो घूमने आओ, बिल्कुल आओ, एक दिन का 2 दिन का ट्रिप प्लान करो। सोचो बारिश में भीग के भी खड़े हो गए, मजे ले रहे हैं, हम वापिस आएंगे। नेक्स्ट मॉर्निंग, सो दोस्तों आज सुबह 8 बजे के आसपास मैं घर पहुंच गया था, कल शाम को हमारी बस थी 6 बजे की। एंड भाई इतनी डिले हुई बस, एंड बस भी एकदम रद्दी बेकार, बहुत ही घटिया महालक्ष्मी की बस थी, बहुत ही घटिया सर्विसेज थी, बिल्कुल भी यानी कोई क्लीननेस नहीं, कोई हाइजीन नहीं, बहुत ही गंदी सी बस थी। तो लेकिन जैसे तैसे आना था तो सफ़र काट लिया, और 10 घंटे के टाइम को 13-14 घंटे कर दिया भाई पहुँचाते, लेकिन चलो टाइमली तब भी पहुँच गए, सुबह 6 बजे मैं पहुँच गया था जयपुर। एंड 6 बजे जैसे पहुँचा ना भाई, इतनी तेज़ बारिश, इतनी ज़ोर की बारिश हो रही है जयपुर में, पूछो मत, सुबह से बारिश चल रही है, अभी जाके थोड़ी सी बंद हुई है। एंड भाई बारिश चक्कर में ना, जहाँ मैं उतरा था वहाँ से मेरा घर से 5 मिनट वॉकिंग डिस्टेंस पे है 200 बाईपास से, एंड 5 मिनट के लिए मेरे को 3 घंटे वहीं पे खड़े रहना पड़ा कि बारिश बंद हो जाए तो मैं आऊँ, बारिश बंद हो जाए तो आऊँ, लेकिन भाई बारिश बंद ही नहीं हुई। फिर मैंने सोचा चलो अपन भीगते हुए घर चलते हैं फटाक से, तो फटाफट मैं वहाँ से ना पैदल ही भागते हुए आया भीगते हुए, एंड पूरा बैग और कपड़े वपड़े सब गीले हो गए थे, सब यहीं पे रख दिया है मैंने तो थोड़ा सूख जाए। एंड लैपटॉप भी पड़ा था बैग में, उसके अलावा फ़ोन्स भी थे, तो वो सब तो बाहर निकाल लिया है मैंने, वो सब ज़्यादा गीले नहीं हुए, सिर्फ बैग ही गीला हुआ है। बाकी मेन इंपॉर्टेंट था कि अपना शूट अच्छे से हो जाए, वो बहुत अच्छा हो गया, उसके अलावा थोड़ा बहुत जगह घूमनी थी वो घूम भी ली हमने। अब कभी फ्यूचर में प्लान करेंगे जाने का वापस से, अच्छे से जाएंगे, पूरी ट्रिप करके आएंगे बाकायदा, तो वो देखते हैं कब होती है। और इसी के साथ इस व्लॉग को फिर यहीं पर एंड करते हैं, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, वीडियो चाहो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब सब करते हो जाना, मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए गुड बाय एंड कीप बिलीविंग इन योरसेल्फ, बाय।